बी सेक्शन, इसमें बी सेवन बचा हुआ है, बाकी सारा बी फिफ्टीन बचा हुआ है, बाकी सारा डिस्कस हो चुका है। चलिए ऐसा करें, एक्सरसाइज पहले वो निकाल लें, टू पार्ट टू निकाल लें। सी में दिया था, चलिए कोई बात नहीं। सी वन, सी वन, वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, ये तो कॉस टू ए का फॉर्मूला है। सो कॉस टू इंटू फिफ्टीन कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू, सी ऑप्शन आपके सामने है। ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है साफ साफ कॉस थर्टी का। सी टू, सी टू में आपको दिक्कत आ रहा है, सी टू देखे, कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है थ्री बाई फोर और इन्होंने पूछा है वैल्यू किसका, सिक्सटीन कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस के थर्टी टू साइन ए बाई टू साइन फाइव ए बाई टू। यहां तो कोई डाउट है किसी को? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू, तो वो फॉर्मूला काम कर गया यहां पर। माइनस सिक्सटीन टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये आ गया आपके पास कितना, एट वन प्लस कॉस ए माइनस के सिक्सटीन, ए माइनस फाइव ए तो माइनस के फोर है तो माइनस के टू ए, एंड कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा सो कॉस टू ए माइनस कॉस थ्री ए, एट प्लस एट कॉस ए माइनस सिक्सटीन, इसको क्या लिख दिया, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। और कॉस थ्री ए का फॉर्मूला होता है, क्या थ्री ए के फॉर्मूले लिख लिए थे फिलहाल? ओहो कोई बात नहीं, कॉस थ्री ए का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फोर कॉस क्यूब ए माइनस के थ्री कॉस ए, कॉस ए कॉस ए कॉस ए कॉस ए कॉस ए, थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर सब जगह रख दे, हो जाएगा। चलिए इसके बाद सी थ्री नहीं दिया होगा क्योंकि साइन थ्री थीटा है इसमें। सी फोर, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, सी फोर ये भी बार बार यूज में आता है। इसमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायरिंग करके ऐड करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस में स्क्वायरिंग करके ऐड करना पड़ता है। इस पर स्टार लगा लें, क्वेश्चन आसान है लेकिन बहुत बार बार यूज में आता है ये, क्लियर। सी फाइव, सी फाइव में आपको दिक्कत आ रहा है, योगेश इधर देखें, फाइव कॉस स्क्वायर अल्फा यहां तक कोई दिक्कत आया आपको? मैंने कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, जिससे क्या फायदा मिलेगा कि साइन में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्लियर। तो मेरे पास कितना हो गया, माइनस के फाइव साइन स्क्वायर अल्फा माइनस के टू साइन अल्फा प्लस फाइव माइनस टू प्लस के थ्री इक्वल टू जीरो, माइनस कॉमन ले लिया तो फाइव साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के टू साइन अल्फा माइनस के थ्री इक्वल टू जीरो, फैक्टर हो गए फाइव एंड थ्री। तो साइन अल्फा की दो वैल्यू आ गई, थ्री बाई फाइव एंड माइनस वन, यहां तो कोई डाउट है। और इन्होंने जो अल्फा की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है फाइव पाई बाई फोर, मतलब टू ट्वेंटी फाइव डिग्री से सेवन पाई बाई फोर, मतलब थ्री वन फाइव डिग्री के बीच में दी हुई है, माइनस वन। तो साइन मतलब दो सौ पच्चीस डिग्री से तीन सौ वहां के बीच में दे रखी है।
क्लियर। तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा। सो साइन अल्फा की वैल्यू माइनस वन आपको मिल चुकी है। किसकी वैल्यू पूछी है, कॉट अल्फा बाई टू की वैल्यू पूछी है। इधर देखिए सौरभ, तो साइन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, टू टेन अल्फा बाई टू ओवर साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू दैट इज माइनस वन। सोल्व कर लेना इसको, हो जाएगा, हो जाएगा। टेन अल्फा को टी मान लो, क्वाड्रेटिक बन रही है, नहीं होगा। और कॉट अल्फा बाई टू पूछा है, उल्टा कर देना, या फिर इसको भी छोड़ो, छोड़ दीजिए इसको भी एक लाइन में, यहां से सिर्फ कॉट अल्फा बाई टू पूछा ना, तो साइन अल्फा की वैल्यू माइनस वन है, वो 270 डिग्री पे होती है, तो अल्फा इक्वल टू 270 मिल गया। क्लियर। अब इन्होंने क्या पूछा है, कॉट अल्फा बाई टू, इट मीन्स कॉट 135 डिग्री दैट इज माइनस वन। भाई अपन को इसकी वैल्यू याद है, माइनस वन कहां पर होता है, 270 पर होता है। ट्राइंगल में तो फिर साइन कोट टेन अल्फा मिलेगा ना, अल्फा बाई टू कहां से मिलेगा। चलिए सी फाइव के बाद सी सिक्स हाफ एंगल में बदल लो, ये अभी जो मैं बता रहा था वो यहां पर काम आ जाएगा। सी सिक्स, तो साइन टी की जगह लिख सकते हैं कितना, टू टेन टी बाई टू ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू। कॉस टी की जगह लिख सकते हैं वन माइनस टेन स्क्वायर टी बाई टू ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू दैट इज इक्वल टू कितना है, वन बाई फाइव। इसको टी मान लेना, क्वाड्रेटिक बन जाएगा एलसीएम लेते ही, और सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। तो दो आंसर आएंगे, टेन टी बाई टू को अल्फा मान, टी मान लो, पी मान लो, जो आपको अच्छा लगता है। और एक्स ही फाइंड करना है आपको डायरेक्टली, क्वाड्रेटिक बनेगा, दो आंसर आएंगे मोर देन वन क्वेश्चन। बस यहीं तक दिया होगा आपको, सी सिक्स तक दिया होगा, इसके आगे है नहीं, नहीं नहीं दिया होगा। चलिए ये एक्सरसाइज वन पार्ट वन आपका कंप्लीट होता है, क्लियर। इसके अलावा फर्स्ट कॉम्प्रेंशन और सेकंड कॉम्प्रेंशन अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा एक्सरसाइज टू पार्ट टू पर पहुंचे सब लोग। एक्सरसाइज टू पार्ट टू सब्जेक्टिव, क्लियर। इसमें काफी क्वेश्चन दिए थे, वन से लेकर ट्वेल्व तक दिया था और फिफ्टीन दिया था। फर्स्ट में तो बहुत हैं, कहां तक बताएंगे। हाँ फर्स्ट का ए में डाउट आ गया क्या, मुहूर्त खराब कर दिया है। चलिए क्या करने का है, प्रूव करने का है आपको ये, तो क्या दिक्कत आ गया इसमें। देखिए sec 4a एंड 1 माइनस साइन 4a, तो 1 माइनस साइन 4a को 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर लिख दिया, समझ में आ रहा है। और इस sec 4a को sec स्क्वायर है दैट इज cos स्क्वायर है, और वो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा दैट इज cos स्क्वायर। माइनस के टू टेन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ऐसे कॉस स्क्वायर है चला गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो सेक स्क्वायर है, और एक टेन स्क्वायर को साथ में ले ले उसके, वो वन आ जाएगा, और बाकी सेक स्क्वायर अपॉन ये, और यहां से साइन कॉस में बदल ले, सब कट पिट के वन बन जाएगा। या अब छोड़े आप, तो ऐसे कर ले, वन प्लस साइन स्क्वायर है और ये नीचे आके कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, वो कितना हो जाएगा टू साइन स्क्वायर है, और नीचे आके क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर है। एलसीएम ले ले, तो ऊपर भी वन माइनस साइन स्क्वायर दैट इज कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन। बस इतना सा क्वेश्चन था, इतना तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा,
नहीं आ रहा समझ में? आ गया है, बहुत बढ़िया है। बी बी साइन कॉस में बदल ले सभी को, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है ये। तो पहले पहला और दूसरा प्रूव हो जाएगा, इसी तरह पहला और तीसरा प्रूव हो जाएगा। चलिए सी सी बोलिए, सी नहीं हुआ आपसे, कॉस ए कॉस ए के माइनस साइन ए से के दैट इज इक्वल टू कॉस ए के माइनस से के, साइन कॉस में बदल लें और क्या, तो कॉस ए अपॉन साइन ए। माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और नीचे क्या है, कॉस ए साइन ए प्लस है बीच में, एलसीएम ले लो इसका, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, उसके फैक्टर्स कर दिए, समझ में आ रहा है? इसको कॉमन लेंगे सर, वहां वन आ जाएगा, यहां भी वन आ जाएगा, जीरो आ रहा है। कैसे कॉमन लेंगे? कॉस अपॉन साइन ए, हाँ तो ले लो कॉस अपॉन साइन है, वहां वन कहां आएगा, वहां साइन अपॉन कॉस है। सो के नहीं आया लगता है, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, और यहां आ जाएगा कितना, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए गया, अलग अलग कर ले, तो दिस अपॉन दिस कॉस गया, वन अपॉन साइन दैट इज कॉसेक, दिस अपॉन सेक कॉसेक माइनस सेक। अब एक एक लाइन का ये करने पड़ेंगे आपको, और फिर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी दिमाग में रख ले, ऑब्जेक्टिव में ए को कुछ डाल देना, ऑप्शन में आएगा कि दिस इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन देगा कॉसेक माइनस सेक, अगला देगा सेक माइनस कॉसेक, अगला देगा टेन माइनस कुछ, अगला देगा कुछ माइनस कुछ, तो ए को कुछ पुट कर देना, 30 डिग्री 45 0 90 मत पुट करना, 45 हुआ 0 हुआ 90 हुआ, क्योंकि ये बहुत 45 पर बहुत चीजें इक्वल होती है, 0 पर नॉट डिफाइन होती है, इसलिए 30 या 60 पुट करना ज्यादा सेफ रहोगे। सी के बाद डी, डी ई, ई में डाउट है आपको, ई देखे कॉट स्क्वायर थीटा सेक थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा प्लस वन, ये अपन को प्रूव करना है, सेक स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन थीटा वन प्लस सेक थीटा, तो साइन कॉस में बदल लें, एलएचएस और आरएचएस ले लें, क्योंकि आरएचएस में बड़ी सी बड़ा चीज है, तो दोनों उठाने पड़ेंगे एलएचएस।